लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यहाँ बैठे हो ये लो अपनी चिट्ठी। राम राम लाला जी। अरे राम राम भैया, राम राम। आओ आओ, ये लीजिए अपनी पोथी। अरे लाओ लाओ, आज जरा हल्की है। अरे भैया शंभुनाथ सुनो, तुम्हारे घर में इतनी परेशानी थी और तुमने बताया भी नहीं। परेशानी? काहे की परेशानी लाला जी? अरे शंभुनाथ, दाई से पेट नहीं छुपाते, हम खूब जानते हैं कि गांव के कौन कौन घर में क्या पक रहा है। तुम्हारे घर में दो दिन से खाना नहीं पका और तुम हैं? अरे ये तो गैरियत की तय तोड़ी तुमने। यहाँ कैसी बातें कर रहे लाला जी? अरे भैया, लाला नैनसुख प्रसाद से क्या शर्माना है? यदि तुम कह देते कि लाला 5 किलो चावल दे दो है, तो मैं तुम्हें तख्ती बढ़ाता कि आज नकद कल उधार है। ये तो भगवान भला करे रजुआ का है, हमने तुरंत कहा। अरे रजुआ बेटा, शंभुनाथ गौरवशील आदमी है, तू ये 5 किलो चावल ले जा और थोड़े बहुत कंकर निकल आए तो लौटा कर उसके बदले के चावल ले जाना है। रजुआ बोला कि गौरवशील है इसीलिए तो पिताजी झूठ भी बोलते हैं। उसने आपसे ये कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ? अरे शंभुनाथ जी, हमको पता ही नहीं चला कि आपके यहाँ इतनी अच्छी खेती बाड़ी भी होती है। राजू इतने अच्छे चावल दे गया, बहुत ही बढ़िया चावल थे भाई, बहुत बढ़िया चावल थे भाई, मजा आ गया बिरयानी में हमें। अरे अब तो भैया हर साल 10 बोरियां चावल भिजवा दिया करो आप, पैसों की चिंता मत करना। हाँ दाम बाजार से ज्यादा ही दूंगा। शंभुनाथ जी, अरे ओ शंभुनाथ जी, आज आपकी कोई चिट्ठी नहीं है। पेट का दर्द कैसा है? पेट का दर्द? किसके पेट का दर्द? हाँ मगर राजू बोला। पंडित जी कितनी सोडे की बोतल लेकर गया है वो आपसे? छह। मगर लाल पीले काहे खोई रहे हो? हम यो थोड़ो कही रहे कि पैसा आप ही धर जाओ। हाँ मगर खाली बोतल जरूर भेजवाए दीन हो। खाली बोतल नहीं बल्कि उनमें राजू का खून भर के भेजूंगा। राजू Thank you.
गुन 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 मैं गाता रहता हूँ, झुम 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 मैं झूमता रहता हूँ, गुन 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 मैं गाता रहता हूँ। शंभुराज, ओ भैया शंभुराज। आया भाई साहब आया। नमस्ते। अरे नमस्ते। मैंने कहा था ना कि मेरा मनी ऑर्डर आए तो मैं कहीं भी हूँ ढूंढ कर मुझ तक पहुँचा देना, चाहे तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाए तब भी। जी हाँ, कहा तो था। तो फिर क्यों नहीं पहुँचाया? मनी ऑर्डर आता तो पहुँचा देता। क्या मतलब? पर तुम्हारा बेटा मेरे पास आया था,
बोला कि आपका 250 रुपए का मनी ऑर्डर आया है, लेकिन पिताजी को बहुत तेज बुखार है इसलिए नहीं आ सके। वो तो तुम्हारे लिए इंजेक्शन खरीदने के लिए मुझसे 10 रुपए भी मांग के ले गया है। मेरा बेटा अव्वल नंबर का झूठा है, है? ना आपका मनी ऑर्डर आया है और ना मुझे बुखार है। देखिए भागिए, आपके गोदाम में आग लग गई है। आपको किसी मेरे आग बुझाने के लिए का पानी भी नहीं मिला। भागिए, भागो भागो, चलो चलो। राजू रुक जा। पिताजी, मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ। हमारे घर में 2 दिन से खाना नहीं। मर गया। मुझे बुखार रहता है। मुझे बुखार रहता है। चाचा बदमाश, क्यों अपने बाप की पगड़ी उछालता फिरता है? आप पगड़ी कहाँ पहनते हैं? तेरी हड्डी नहीं 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 कहाँ गया? कहाँ गया? राजू, राजू, राजू! वो यहाँ कहाँ होगा? वो गायब हो गया है। वो झूठों का राजा है। शंभुनाथ, आप अपने लड़के को राजनीति में डालो, बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। ये छुप छुप के क्या खा रहा है? कुछ नहीं। बोला ना पतला झूठ। अपना गुरु चाहे तो एक ही जगह पे हजारों लड्डू यहाँ ला सकता है। नहीं ला सकता। ला सकता है? नहीं ला सकता। ला सकता है? अबे छोड़। लड्डू कहाँ से आएंगे? लड्डू कहीं से भी आएंगे? नहीं आएंगे। आएंगे? अरे पैसे कहाँ से आएंगे? किसी की भी जेब से नहीं लाएगा। लाएगा? नहीं लाएगा। लाएगा? लड्डुओं का इंतजाम हो जाएगा। जय हो गुरु। मालती, मालती, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी आई है। अच्छा, क्या लिखा है? दिवाली की छुट्टियों में हमें बुलाया है। अरे पीना, महेश भाग क्यों? तुम्हारे नाना की चिट्ठी आई है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। सच माँ, नाना की चिट्ठी आई है? हाँ बेटे। क्यों जी, आपके भी दफ्तर में छुट्टी है ना? चले। हाँ छुट्टियाँ तो है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? उन्होंने लिखा है कि मेरे लिए उन्होंने एक ऑटोमेटिक घड़ी खरीदी है, जिसे लेने के लिए मुझे खुद उनके पास जाना पड़ेगा। अजी, ससुर का जवाई को भेज देना कोई नई बात है क्या? और लिखा है कि साथ में 4 किलो बूंदी के असली घी के लड्डू भी लेते आना। तो क्या खाली हाथ हिलाते चले जाओगे? कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा, 4 किलो लड्डू ही सही। अरे बेटा आओ, प्रणाम पिताजी। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। आओ चलो चलो, चलो। आपका खत मिलते ही फौरन हम लोग चल पड़े। मेरा खत? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि एक खत इतनी जल्दी कैसे मिल गया। अरे वहाँ के पोस्टमैन ने सोचा होगा कि एक सीनियर पोस्टमैन का खत है, इसे जल्दी से पहुँचा दो। आपकी माता जी तो कुशल मंगल है। जी हाँ। आओ बेटा, आओ आओ, अंदर तो आओ। ओम हरिओम। चलो बेटा चलो, अंदर चलो। ये लो। अच्छा बेटा तुम स्नान करो, मैं डाक बांट कर अभी आया। ये लोग कैसे आ गए? मैंने इन्हें आने के लिए कब खत लिखा? मुझे देखकर ये आश्चर्य में क्यों पड़ गए? और फिर घड़ी के बारे में कुछ बोले नहीं। वो तुमने घड़ी की बात तो निकाली नहीं। बात क्या निकालनी है? क्या तुम्हें देखते ही घड़ी हाथ में थमा देते? सारे रास्ते घड़ी के रट लगाए रखे हो। राजू कैसे हो? कुछ काम धंधा शुरू किया या वही दाल दाल पात पात हो रहा है? नहीं, ये डाक में कुछ। अच्छा, पिताजी का हाथ बटा रहे हो? हाँ, चिट्ठी लिखना, डाक में डालना, इसमें मिठाई है ना? तुझे कैसे मानी? पिताजी ने बताया। बहुत मत खाओ। राजू सुन सुन सुन,
सुना है कि पिताजी ने घड़ी खरीदी है, कैसी है? ऑटोमेटिक डेट भी है, महीने भी है। सुन, कितने की होगी? 100 रुपए की? एक हजार रुपए की। आई सी। अरे ओ धोती, ओ लोटा, ओ चुपे लड्डू। लड्डू? अरे हाँ हाँ, ले ले मुझे एक तो और ले ले बेटा। लिखा, मैं तुम्हें मकर संक्रांति में बुलाने की सोच रहा था। अरे बाबूजी, जिस दिन जेब में पैसा हो ना, समझ लीजिए वही त्योहार का दिन है। वही तो, सरकार ने 7 महीने पहले महंगाई भत्ता मंजूर किया था, अभी तक कागजी घोड़े दौड़ रहे हैं। अब महंगाई तो ये नहीं देखती ना कि सरकारी कागज खिसकने में देर लगती है। घड़ी की बात छेड़ो ना। राजू अभी तक नहीं आया, क्या वजह होगा? बाबूजी वो घड़ी पुरानी हो गई थी ना, इसलिए बेच दिए। अरे बेटा, नई घड़ी खरीदने के बाद बेचनी थी। जब आप घड़ी दे ही रहे हैं तो फिर मैं नहीं क्यों लूं? हैं, दूंगा, जरूर दूंगा। तभी तो कहा ना कि मैं तुम्हें संक्रांति पर बुलाने वाला था, और तभी घड़ी देने की कोशिश भी करूंगा। कोशिश? पिताजी, जब आपने घड़ी खरीदी ली है तो फिर संक्रांति का इंतजार क्यों? मैंने घड़ी खरीद ली? हाँ। कब? आपने तो खत में लिखा था। मैंने कब खत लिखा? ये देखिए, मुझे तो पहले ही शक था कि गांव वालों के सामने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए आपने खत लिख दिया, इसलिए कि गांव वाले कहेंगे कि बेटी और दामाद को बुलाते ही नहीं। लेकिन उसमें घड़ी वाली बात लिखने की क्या जरूरत थी, जैसे उसके बगैर मैं आते ही नहीं। मैं सच कहता हूँ बेटा, मैंने तुम्हें ये खत नहीं लिखा, ये राजू की लिखावट है। मानता हूँ कि राजू की लिखावट है, लेकिन लिखवाया तो आप ही ने होगा ना। माँ ठीक ही कहती थी कि ये सब मिठाई खाने के बहाने हैं। चलो बच्चों उठो, चलो खाना तो खाने दो। अबे रोजी तो खाता है, चल इन्हें खाना खा लेने। चलो कुछ भी बोलो गुरु, लेकिन वो मेला है ही कमाल का। अरे क्या मेला? अरे एक बार जिसने वो मेला देख लिया, समझो सब कुछ देख लिया। हाँ गुरु, पूरे हफ्ते भर वो मेला चलता है और देश भर में से हजारों लोग उस मेले में आते हैं। अरे देश से ही क्यों, विदेश से भी लोग आते हैं, अफ्रीका, अमेरिका, रूस, जापान। अच्छा अच्छा, कब होगा वो मेला? अगले महीने 13 तारीख को। चले मेला देखने को? अरे लेकिन जाएंगे कैसे, पैसा नहीं पास तो मेला लगे उदास। लेकिन कितने पैसे लगते हैं? कम से कम एक आदमी का 100 रुपया। 100 रुपया? 100, 200, 300, 400, 500 रुपया? अरे तो क्या हो गया, अपना गुरु है ना, 500 तो क्या 5000 रुपया ला के रख देगा। लाएगा? लाएगा। अरे नहीं लाएगा। लाएगा? नहीं लाएगा। लाएगा? कहाँ से लाएगा? अरे कहीं से भी लाएगा। नहीं लाएगा। लाएगा? नहीं लाएगा। लाएगा? नहीं लाएगा। नहीं लाएगा। नहीं ला सकता। क्यों गुरु? क्यों? गांव वालों पर हमारी झूठी पोल खुल चुकी है, कोई हत्थे नहीं छोड़ेगा। लेकिन गुरु, एक तो मुर्गी बची होगी। मेरे ख्याल में तो नहीं। तेरे की, अरे जिस मेले का इतना बखान सुना, अगर वही मेला नहीं देखा तो फिर क्या जीना। अरे गुरु मेरे को मेला दिखा दो, मैं तुम्हें मर जाऊंगा। अबे उठ, जब देखो मरने की धमकी देता है। अगर एक बार और कहा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम एक बार मेला दिखा दो, फिर कभी नहीं कहूंगा। अच्छा दिखा दूंगा। आइए आइए देखिए, लक्ष्मीपुर में पहली बार पेश करते हैं फिल्मी सितारों का रंगारंग कार्यक्रम, राजू और उनके साथी। देखिए रास्ते में है, सफर में है, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। जब तक वो पहुंचे तब तक हम आपका दिल बहलाने के लिए एक आइटम पेश करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो आइटम आपको पसंद आएगा। उस आइटम का नाम है जैसी करनी वैसी भरनी। सुनो सुनो,
मन लेने के देने पड़ गए। तो पल का मजा मिली ना महीने की सजा। अरे पल दो पल का मजा मिली ना महीने की सजा। अरे थोड़े मारे नहना लड़ गए मन लेने के देने पड़ गए। अरे पल दो पल का मजा मिली ना महीने की सजा। बात मेरी ध्यान में रखियो, मर्द का यकीन न करियो, पास वो आए तो डरियो, मैं तो धोखा खा गई, तुम ना धोखे में आना, मैं तो बातों में आ गई, तुम ना बातों में आना। अरे हाल देखो ऐसे बिगड़ गए मन लेने के देने पड़ गए। साड़ी दिलाई उसने चाट खिलाई, मुझको फिल्म दिखाई, कभी वो लाया मलाई, कभी तो वो मुस्काया, कभी तो मैं शर्माई, फिर उसने पकड़ी कर लाई, मेरे सब्र के पांव उखाड़ गए मन लेने के देने पड़ गए। मुश्किल देना बिल का पानी और बिजली का बिल चुकाना हो गया मुश्किल, बड़ा महंगा है जमाना है मुश्किल घर चलाना, है महंगा दाल और आटा है धंधे में भी घटा, खूब ये हुआ घोटाला आ गया आने वाला। मुझे जीने के लाले पड़ गए मन लेने के देने। कहना चाहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आप तमाम लोगों से माजरत चाहता हूं
और ये भी कहूंगा कि मैं आइंदा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। आपकी दुआएं, आपका प्यार मेरे साथ है, उसी के साथ ही मैं आपसे ये इजाजत चाहूंगा। जी हाँ, करता है राजू, जल्दी घर चलिए, पिताजी बहुत बुरी तरह जल गए। क्यों मुझे पागल बनाता है? मैं सच कह रहा हूँ, ये देखिए मैं भी जल गया। तेरा सब नाटक मैं जानता हूँ। नहीं मैं सच कह रहा हूँ। अरे सच किस चिड़िया का नाम है, तू क्या जानता है, चल भाग यहाँ से। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। अरे कौन है तू? है भाग जा यहाँ से। जी मेरे पिताजी। कभी तुझे राम खिलावन के साथ देख लिया तो तेरा हाथ पांव तोड़ देगा। नहीं भाग जा, मैं जाता है कि नहीं, चल फोन। ए चलो अंदर जाके सो जा। हरी 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 अब ऐसा बोल, बाबा ने सुन लिया तो मेरी धुलाई कर देंगे। पिताजी बहुत घायल है और बैजी यकीन ही नहीं कर रहे। अच्छा तो, दोस्तों के साथ भी शुरू हो गया। अबे बैजी तो बैजी, मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जा जा, खबर अपने आगे मेरी नींद खराब कर दे। सुजा, हरी अब जिम जान में सुजा। अरे जा यार, हमेशा झूठ बोलता है, आज क्या सच बोलेगा? तेरा पतला झूठ दुनिया के लिए गाढ़ा होगा, लेकिन तेरा गाढ़े से गाढ़ा झूठ मेरे लिए पतला है। जा जा, जाके सो जा। पिताजी कोई मेरा यकीन ही नहीं कर रहा। पिताजी मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा। मैं अभी पिताजी नहीं पिताजी मुझे अकेला छोड़ पिताजी, मैंने आपको मार दिया। पिताजी मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। माँ मैं जा रहा हूँ। अच्छा बेटे, जाते वक्त जरा देख के जाना। अरे राजू तू कब है? अभी
कैसे आना हुआ? पिताजी। पिताजी क्या हुआ पिताजी को? राजू ये नाटक बंद कर, अगर झूठ बोलना हो ना तो छोटा झूठ बोला कर। नहीं नहीं जीजा जी, दीदी पिताजी हमें छोड़ गए। राजू कहा ना झूठ छोटा बोला कर। मैं सच बोल रहा हूँ जीजा जी, मैं तो ये बताने आया था कि पिताजी का हत्यारा मैं हूँ, मेरे ही कारण उनकी मौत हुई है, उन्हें मेरे झूठ ने मार डाला। राजू तू सच कह रहा है? हाँ जीजा जी। अच्छा मैं चलता हूँ। राजू कहाँ जाएगा राजू? कहीं भी, सरकार ने इतने रेलवे स्टेशन बस स्टैंड बनवाए हैं, कहीं भी पड़ा रहूंगा। और क्या, कहीं भी पड़ा रहूंगा। अरे पुलिस आवारा गर्दी में पकड़ के बंद कर देगी तो थाना कचहरी कौन करेगा है? अरे बेटा तू अच्छा हो या बुरा है तो अपना ही। पारो अब कल से तुम ना ही आया करो तो अच्छा है। 25 रुपए महीना मैं घर में रख के खांसने को तो नहीं दे सकती। पर बीबी जी। बार बार क्या? अरे भाई अब तुम बूढ़ी हो गई हो, तुमसे काम नहीं होता है। बीबी जी आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा बीबी? अरे भाई वो तुम जानो, रुपए पेड़ पर तो नहीं लगते कि हर महीने मैं पेड़ हिला लूं और रुपये झाड़ लिया करूं है। 25 रुपए महीना और 2 वक्त का खाना, ये देना मेरे बस की बात नहीं है। आप मुझे कैसे खाना बन दीजिए लेकिन मुझे काम से अलग मत कीजिए बीबी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। अरे भाई अब वो बहू का भाई राजू भी तो आ गया है, उसको भी तो 2 वक्त का खाना देना पड़ेगा, और खाएगा तो काम तो करेगा ही और खुशी खुशी करेगा। घर का काम करने से घर की इज्जत को बट्टा तो नहीं लग जाता है ना, तो ये बात है। साइकिल का क्या हो गया? अरे तुम लोग को साइकिल की फिक्र लगी, मुझे कोई उठाएगा? अरे बेवकूफ क्या करता है, आज पता नहीं सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा था। मामा का। हाँ आज सवेरे मैंने तेरा ही मुंह देखा था। राजू मैं तेरे को कह देता हूँ, आज के बाद सवेरे सवेरे कभी तुमने अपना थोबड़ा दिखाया ना तो मैं। अरे महेश गुड्डी मीना, सवेरे सवेरे अपने मामा का मुंह मत देखना। क्यों दादी ऐसा क्या हुआ? अरे टांग टूट जाए सर फूट जाए, भगवान न करे किसी की जान भी जा सकती है, इसके जैसा मनहूस चेहरा भगवान ने दूसरा बनाया ही नहीं। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम। तू हुआ और क्या हुआ, शनि की जैसे हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कल सुरेश की टांग तोड़ दी आज मेरा सर फोड़ दिया। पर मेरा मुंह देखे भी ना आप टकरा गई मौसी। से देखिए दादाजी, ये आप वाला वो एमराल्ड नहीं है। ओ क्षमा चाहता हूँ आप तो अंग्रेजी नहीं जानते, वो जमरूद तो स्वर्गीय पिताजी ने कोर्ट के छोटे मोटे खर्चों के लिए कप का बेच दिया था, ये तो उसका इमिटेशन है अर्थात नकली है। मगर मेरे पुरखों रेस में हारने की भी कोई हद होती है, पिताजी के जमाने से जैसे ये परंपरा चली आई है, जो भी मुकदमा लड़ा गया हारा गया, जो भी रेस खेली गई हारी गई। स्वर्गीय दादाजी के जमाने में शुरू होने वाले एक मुकदमे की अपील आज भी सुप्रीम कोर्ट में अटकी हुई है। सब ऊपरी तामझाम है, अंदर से बिल्कुल खोखल हो गया हूँ मैं। अब आप लोग ही मिलकर कोई चक्कर चलाइए वरना यह हवेली भी बिक जाएगी और 700 साल पुरानी हमारी खानदानी इज्जत की मटकी भरे चौराहे पे फूट जाएगी। फिर ये शिकायत मत कीजिएगा कि मैंने आपको खबर नहीं दी। आज फिर जा रहा हूँ रेस खेलने के लिए, कोई चक्कर चलाकर मुझे जीतवा ही दीजिएगा, बस इसके सिवा और न मुझे आपसे कुछ चाहिए न भगवान से। मां बे
माथा टेकते टेकते माथा दुख गया, पर तुम नहीं सुनती। मैं कोई धरती आकाश के खजाने तो मांग नहीं रही हूं, एक बच्चा ही तो मांग रही हूं। अगर मुझे माँ ने ही बनाना था, नारी क्यों बनाया, क्यों बनाया? लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे आओ भाई, जल्दी से आकर मुंह दिखाओ ताकि मैं चलूं, देर हो रही है। हाँ, आ जाओ। चीजा जी, मुझे बुलाया? तुम्हारा नाम लक्ष्मी है? नहीं। तो फिर मैंने तुमको नहीं बुलाया? ओ लक्ष्मी, क्यों चिल्ला रहे हो? पता तो है कि पूजा कर रही हूँ। जरा हमारा पिस्तौल तो निकालो। पिस्तौल? पिस्तौल किस लिए? गोली मारनी है। गोली मारनी है? चीजा जी, किसी तुम्हें? अब आज इसने क्या किया? अरे ये जो करना चाहता था वो तो मैंने होने ही नहीं दिया ना। ये अगर आते ही बोलना पड़ा होता तो मैं तो आंखें खोल देता, और अगर मेरी आंखें खुल जाती तो इसका थोबड़ा देख लेता, और अगर इसका थोड़ा देख लेता तो आज तो मेरा बंडा थाना हो जाता। कहाँ तुम? यहाँ। तुम अपना थोड़ा उधर करो। याद है पिछले बरस टिप थी, पक्की टिप थी कि रेस में हंटर वाली जीतेगी। हालांकि वो जीत भी गई थी लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गई। क्यों? क्योंकि सुबह ही सुबह मैंने इसका थोबड़ा देखा था। इसलिए हजार बार मैं कह चुका हूँ विजयलक्ष्मी, जब मैं रेस के लिए बाहर निकलूं तो तुम मेरे सामने रहा करो। आप 12 साल से हर रेस पर मेरी सूरत देख कर जाते हैं और हमेशा हार कर आते हैं। आज की बात और है लक्ष्मी, आज की बात तो कुछ और ही है। आज मैंने अपने तमाम पुरखों को अल्टीमेटम दिया है, अगर आज की रेस में मैं नहीं जीता तो मुझे अपने आप को दिवालिया डिक्लेयर करना पड़ेगा और ये हवेली नीलाम हो जाएगी। ये सुनकर वो जरूर घबरा गए होंगे। मेरे ख्याल से इस वक्त तो उनका डेप्यूटेशन भगवान के पास बैठा होगा। अच्छा एक बात बताओ, आज रेस जीतने की खुशी में तुम क्या लोगी? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर आप इस बलवंत को कोई काम पर लगवा दे तो। काम? राय, कल्पनाथ राय का साला काम करेगा? क्या बात कर रही हो, 700 साल से हमारे खानदान के किसी साले ने काम नहीं किया, और फर्स्ट करो कहीं से नौकरी दिलवा भी दी तो शहर में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? कर रहे जीजा जी, कर रहे। शराब, हमारे खानदान की कुछ अपनी परंपराएं हैं। स्वर्गीय पर दादाजी के जमाने में रोज कम से कम 50 आदमी उनके सामने आया करते थे। कोई इसके लिए चंदा मांग रहा है, कोई उसके लिए चंदा मांग रहा है। 10-20 तो अब भी रोज आते हैं। करेक्ट। चंदा मांगने नहीं, कर्ज का तकाजा करने। अगेन करेक्ट। यही तो रईसों की शान है, नगद का कारोबार तो टटपुंजे करते हैं, रईस हमेशा कर्जदार रहते हैं हमारी तरह। अच्छा मैं चलता हूँ। जीजा जी, आज पक्की टिप है, ब्लैक स्टेलियन पर खेलिएगा। क्या? ब्लैक स्टेलियन। ब्लैक स्टेलियन? हाँ। जीतेगी? हाँ। ये तुम्हारी रहे? हाँ। हरगिज नहीं। भगवान, 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 अब बैठिए, बैठो तुम सब। वाह वाह, क्या शुभ घड़ी है, एक साथ दो दो ब्राह्मण सामने। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। दुबे जी, चौबे जी, जरा यहाँ आना। आप दोनों ने जानबूझकर हमारा रास्ता काटा नहीं? जी हाँ, इसमें क्या संदेह है? क्यों? आज ही जनवरी में हम MLA ठाकुर सिंह के सामने गए थे और फरवरी में वो विधानसभा का इलेक्शन जीत और मार्च में मर गए। राम 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 राम, ये तो उनके कर्मों का फल था, मगर जीते या नहीं? जी हाँ जीते। मर गए वो उनके कर्मों का फल था, और जीत गए वो आपके कर्मों का फल। जी हाँ ठीक है, आज हम रेस खेलने जा रहे हैं, अगर जीत गए तो 10,000 रुपया देंगे, और अगर हार गए। हार गए? अजी आज तो आपके हारने का प्रश्न ही नहीं उठता। ये सत्य वचन है हमारा। सत्य वचन देखते हैं तुम्हारा सत्य वचन।
ठूस ले। छी, ये तो बासी खाना है। हाँ। Just lifted the middle and bailed by a beautiful ball from Robert.
तुम अंधी हो? हाँ, जन्म से अंधी हूँ। अच्छा, ये सारे फूल कितने के हैं? सारे फूल? 20 रुपए के। ये लो 20 रुपए। शुक्रिया। तुम रहती कहाँ हो? भारत नगर। पर वो तो बहुत दूर है। चलिए, हम आपको गाड़ी में छोड़ देंगे। शुक्रिया, मैं पैदल चली जाऊंगी। नहीं, हम तो जा ही रहे हैं वहाँ, आपको छोड़ देंगे। चलिए। नहीं शुक्रिया। अरे चलिए ना, चलिए छोड़। सलाम ठेकेदार साहब। जब है, क्या बात है? आपके लिए ताजा फूल तोड़ के लेके आया। अच्छा, क्या दाम है इसका? आप पहले खुशबू तो लीजिए, फिर खुशियों के दाम दीजिए। ठीक है, अंदर ले चल इसका। नहीं नहीं, डरो नहीं, घबराओ मत। घर कहाँ है तुम्हारा? अरे बेटी, आप तुम, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? माजी, आप लेटे रहिए। कुछ नहीं माजी, कुछ नहीं। कुछ गुंडे इसे छेड़ रहे थे, पर भगवान ने वहां मुझे भेज दिया और मैंने बचा लिया। बहुत मारा मैंने उन कमीनों को। तू अगर तू अब घर से बाहर निकली तो मैं कुछ खा के मर जाऊंगी। कल से मैं भीख मांग लूंगी और तू अब फूल नहीं बेचेगी, समझी? माँ जी, मेरी वजह से आपको एक दिन देखना पड़ रहा है। नहीं बेटा, तू गरीब रिश्तेदार है, उन्हें मुफ्त का नौकर मिल गया, तू अब मुझे क्यों रख दे? चलता हूं। तुमने इस बेसहारा लड़के की रक्षा करके इन लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या नाम है तुम्हारा? राजू साहब। बहुत अच्छे। देखो राजू, टूटे फूटे लोगों की इस दुनिया में तुम ही एक पूरे आदमी हो। अरे अरे, ये क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। आओ दवा दे। नहीं नहीं नहीं। क्यों? नहीं क्यों?
अरे उसकी चिंता मत कराओ। अच्छा मुफ्त में? हाँ मुफ्त में। अच्छा तो यहाँ एक जख्म है, यहाँ है, यहाँ एक था अभी नहीं, आजकल खांसी भी है। आओ खांसी की गोलियां। इंजेक्शन मत देना सिर्फ। नहीं दूंगा भाई बैठो। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है, सब्जी तरकारी कहाँ है? जानता है बच्चों को आज बासी खाना खा के जाना पड़ा और उन्हें खाली पेट? नहीं दीदी, हुआ यह है कि रास्ते में कुछ गुंडे लोग एक लड़के के साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे और मुझे बीच में कूदना पड़ा और ये। अरे वाह बड़ा आया फन्ने खां, ये झूठे किसे कहानी है, किसी और को सुनाना। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। सच? और तू? हाँ आप क्या समझती है मैं सच नहीं बोलता? अरे अगर तुझे सच बोलना आता तो आज तू अपनी बहन की चौखट पे ना पड़ा होता, अपने घर होता। सब्जी नहीं लाया तो पैसे कहाँ है? अरे उड़ा दिए होंगे कहीं खा पी के और अब नवाब की तरह आया है कपड़ों पर कीचड़ लगा के झूठे किसे कहानियां सुनाने। मौसी मैं आंखें क्या दिखाता है, झूठ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अगर मेरा भाई होता तो मारे जूतों के गंजा कर देती चुट्टा कहीं का। मैं चोर नहीं हूँ, चोर आप होंगे। शर्म नहीं आती तुझे? बड़ों के मुंह लगता है, जिनके घर में पलता है, जिनके घर में रह रहा है उन्हीं से जबान लगाता है। अब एक लफ्ज और बोला तो जबान खींच लूंगी तेरी। राजू जी तुम्हें कैसे मालूम कि मैं हूं? सूरतों का तो मुझे पता नहीं लेकिन आदतें सबकी अलग अलग होती हैं। अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जो सूरतें देख सकते हैं उन्हें आदतें पहचानने की क्या जरूरत है राजू जी? ना मैं राजू जी हूँ ना तुम नैनी जी हो, बाकी सब सब्जियां और ये भोपला। आज हो गई मेरी तरफ से दावत। दावत? आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? यही समझ लो, लेकिन आज तक मैंने जन्मदिन मनाया नहीं। पिताजी से झूठ ना बोलने का वादा ना कर चुका होता तो कह देते आज मेरा जन्मदिन है। वैसे ही मेरा जन्मदिन होता ही नहीं, मैं पैदा ही मुर्दा हुआ था। आज पता नहीं क्यों खुश होने को जी चाहा तो यहां चला आया। अच्छा ये बताओ तुम्हें खुश होना आता है? तभी तो तुम्हारे पास चला आया, मैं भी खुश होना भूल गया हूं। तुम्हें ये तो मालूम है ना खुशी क्या होती है? तुम्हें ये तो मालूम होगा खुशी क्या होती है? हाँ हाँ। खुशी का रंग कैसा होता है? हाँ खुशी का रंग जिंदगी के सिवा किसी और चीज का रंग ही नहीं होता नैनी, बाकी हर रंग कच्चा है, धुल जाता है, उड़ जाता है। अभी आकाश गहरा नीला है, अभी हल्का नीला है और फिर एकदम काला हो जाता है। तो जिंदगी किस रंग की होती है? जिंदगी हमेशा उस रंग की होती है जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे तो काले के सिवा कोई रंग ही नहीं मालूम। तो यही समझ लो जिंदगी तुम्हारे लंबे काले बालों की तरह नर्म और काली है। अरे राजू बेटा, माँ माँ देखो राजू कितनी सारी चीजें लाया है। अरे बेटा इतनी सारी चीजें लाने की क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी माँ जी, आप भी गरीब है मैं भी गरीब हूँ, गरीब आपस में गरीबी नहीं बांटेंगे तो कौन बांटेगा। अच्छा मैं चलता हूं।
अरे सुरेश, ऑफिस नहीं जाना क्या? जाता हूँ माँ, जल्दी क्या, 8:30 बजे। ओहो, ये घड़ी तो कल से अड़ियल टट्टू की तरह 8:30 पर ही अटकी हुई है। हाथ की घड़ी देख, हाथ की। अरे 9:45 बज गए। हाँ। My God। अरे राजू, जल्दी से जाए, घड़ी ठीक करा के ला। अरे छोड़ो सब, जल्दी जाए, इसे ठीक करा के ला। अब चल ना, जो कहा सो कर जल्दी। छोड़ दिया ना, सत्यानाशी पे सवा सत्यानाशी। अब मुझे क्या देता है, फेंक दे। अरे चल ना, अब कुर्सी मत तोड़ना। हाँ, संभाल के उतारना, ये सुरेश के परदादा की घड़ी है। हाँ, अब तू क्या खुद मरम्मत करने चला, उतारना जल्दी। ओहो, इसे कहाँ ये काम दिया। अरे तोड़ दिया ना ये तो, तोड़ दिया मेरा सर, तोड़ दिया। ये तो मेरी जान लेके रहेगा, चल जा जल्दी, चल जा। सवाल क्यों उतरना, ओहो इसे कहाँ पाला पड़ा क्या मालूम। अरे सारा अंडा है क्या, दिखता नहीं, सब अंडा बंडा तोड़ दिया मेरा। क्या रे भाइयों, अगले मंगलवार को काली मंदिर के चौराहे से शंकराचार्य मंदिर तक साइकिल रिक्शा की रेस होगी। जीतने वाले को 500 रुपए नकद इनाम दिया जाएगा। 500 रुपए नकद इनाम, 500 रुपए नकद इनाम। कसम अल्लाह की मियां, हजरत ईसा होते तो इस मुर्दा घड़ी में जान डाल सकते थे, लेकिन मैं हकीर फकीर घड़ी साजिश में जान नहीं डाल सकता। तो फिर ये घड़ी नहीं, खरीद लो। खरीद लो? हाँ खरीद लो। लेकिन ऐसी घड़ी ऐसी ही मिल जाएगी, पैसे कम से कम 350 रुपए लगेंगे। आगामी सोमवार को साइकिल रिक्शा की रेस होगी, जीतने वाले को 500 रुपया इनाम, जीतने वाले को 500 रुपया इनाम, 500 रुपया इनाम। कौन जीता? आप ही जीते। रामू छोड़ा लाओ।
जीजाजी जीजाजी क्या आइए आइए ना क्या है वो घड़ी लेके आया हूँ घड़ी हाँ कहाँ है आइए ना अरे वाह ये तो बिल्कुल नहीं लग रही है देखिए कैसी चमक रही है मैंने इसे बड़ी मेहनत से चमकाया है शाबाश राजू अरे भाई साहब बच गया मुझे ऑफिस में देर हो रही है अच्छा मैं चलता हूँ राजू मैंने तुमसे क्या कहा बोल कहा था ना कि सुबह सुबह अपना मुंह मत दिखाना बोल कहा था कि नहीं हरामजादे मैं तेरा भरता बना दूंगा नहीं नहीं मुझे पता नहीं पता नहीं है तो मैं अभी पता कराता हूँ तूने जान बूझ कर अपनी शक्ल मुझे दिखाई थी नहीं साले तू मेरी बर्बादी चाहता है बर्बादी फिर से क्या हुआ क्या किया इस मनहूस ने इसने अपनी शक्ल सुबह सुबह दिखाकर माँ मुझे नौकरी से निकलवा दिया हाय राम मुए मनहूस अरे नौकरी नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा है जिस दिन से आया है उस दिन से नुकसान ही कर रहा है पहले तो आते ही एक्सीडेंट हुआ फिर साइकिल टूटी फिर मेरा सर फूटा और आज आज मेरी बर्थडे पर मुझे मेरी नौकरी से निकलवा दिया क्या घूस खाने के लिए इसने कहा No. जब से ये आया है आप लोग इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए मालती तुम चुप रहो नहीं तो तुझे भी एक जड़ दूंगा क्यों चुप रहूं क्यों ना बोलूं जिस दिन ये आया उसी दिन पारो को निकालकर आपने इसे नौकरों की तरह काम पे लगा दिया इसने कोई ओफ की या मैंने कोई शिकायत की शहर में जितने लोगों के एक्सीडेंट होते क्या सब इसी का मुंह देखकर घर से बाहर निकलते किसी के पीछे पड़ने की भी कोई हाथ होती है अरे ऐसी मुझे तेरे ऊपर इतनी फिटकार बरसती है फिर भी फालतू कुत्ते की तरह मार खाता रहता है मैंने इसे टुकड़ों पे पलटा बेशरम इससे तो अच्छा है कि तू कहीं जाके डूब निकल जा यहां से निकल जा निकल जा मैं कहां जाऊं निकल जा यहां से निकल जा निकल जा मामा क्या है मामा क्या है मामा मैं मामा मीना मामा कुत्ते क्या हुआ तुम लोग चलो 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 तुम भी आइए सर चल भाई जल्दी आज तो ग्राहक ही नहीं आता यार गंगा मौसी राजा बहन कोई है रिक्शा रिक्शा नहीं राजू 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 माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है डॉक्टर साहब को बुलाना है जल्दी अच्छा मैं अभी डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ तुम अंदर चलो माँ को देखो अच्छा भाई साहब जरा उतरिए क्यों भाई मैं क्यों उतरू आपने सुन लिया ना जरा उतरिए अरे भाई मुझे दीन दुखियों की मीटिंग में भाषण देना है जल्दी करो देर हो रही है भाई साहब जरा उतरिए मैं उतरूंगा अबे उतरता है कि नहीं मैं उतरूंगा क्यों क्या कर लेंगे आप हाँ अरे अरे कमाल है ये क्या कर रहे हैं आप उसको अरे अब बोला दिया ना हमको बाहर कोई शराफत हो ये क्या कमाल है अरे उसको अरे देखिए ना ये तो गुंडा कर दिया सरासर
आते हैं जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं आते हैं चले जाते हैं जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं आते हैं चले जाते हैं आते हैं उदास हो ना ये आंसू खो ना यहाँ ना दामन भिगो ना कभी पाना है कभी कुछ पाना है कभी कुछ खोना है यहाँ जो होना है होगा वही यही जिंदगी है यहाँ जिए वही लोग जो सारे गम भुला के आंसुओं में मुस्कुराते हैं आते हैं चले जाते हैं आते हैं हमें तो चलना है अकेले चलना है कोई भी हो या न हो हम सफर राहों में रुके या हम चले चले या हम रुके कहीं भी रुकता नहीं ये सफर आना जाना लगा रहे जीवन की राहों में राहें वही रहती है राही बदल जाते हैं आते हैं चले जाते हैं आते हैं अंधेरी रातों के घनेरे साए में छुपा तो होगा सवेरा कहीं आएगा सवेरा आएगा उजाले लाएगा अंधेरे होंगे हमेशा नहीं माने यहाँ हार ना जो कभी किसी हाल में वही यहाँ फूल कभी कांटों में खिलाते हैं आते हैं चले जाते हैं जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं आते हैं चले जाते हैं आते हैं हो गया अब आ जाइए आ जाइए आ जाइए नीचे उतरो नीचे सरकार उतरा नीचे ही जाता है ऊपर जाने को चढ़ना कहते हैं उतरो नीचे बाबू गोवर्धन प्रसाद जी सरकार कह रहे हैं तो गाड़ी से नीचे उतर आइए सरकार आपसे भी कह रहे हैं आप भी नीचे उतरिए मैं भी हाँ तो मैं उतरो सुडेलाल आई एम रेडी सर अरे रेडी कुछ नहीं तुम भी नीचे उतरो ओह
मगर बदतमीज हमसे आकर मगर करते हो। चतुरलाल जी ज्यादा चतुराई मत दिखाओ। आप लोग सब यहीं हवेली में रहेंगे, हम अकेले रेस कोर्स जाएंगे। मगर सरकार आपों के सिवाय आप रेस कोर्स में कैसे आ सकते हैं? क्यों, तुम वहां नहीं जाओगे तो घोड़े दौड़ेंगे नहीं है? आज हम अकेले ही जाएंगे। पता तो चले तुम सबकी नफुसत हमें हरा दी या हमारी तकदीर में जीतना ही नहीं लिखा। उधर मोदर। मगर सरकार उस दिन की चर है, अगर कार में पेट्रोल खत्म हो गया तो तब तक का कौन मारेगा? आज हम टैंक फुल करके गए। उधर मो उधर मो दरवाजा बंद करो। ए, अरे आप फोन के हैंडल मारने के बगैर राजस्थान कैसे होगी? इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? राजनाथ, पुत्र स्वर्गीय शंभुनाथ पोस्ट में। सुनो, देखो शंभुनाथ, मैं शंभुनाथ, शंभुनाथ तो मेरा बाप का नाम था, मेरा नाम राजू, राजनाथ। देखो मैं एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा था कि तुम सामने आ गए। अब अगर वो काम हो गया तो मैं तुम्हें 10,000 इनाम दूंगा, नहीं तो नहीं। नहीं नहीं, अगर आप किसी जरूरी काम से जा रहे हैं तो मत जाइए। क्यों? क्योंकि मैं इतना बड़ा मनहूस हूँ कि सवेरे सवेरे मेरा मुंह देखने से हर काम बिगड़ जाता है। अगर मैं किसी के सामने आ जाऊं तो समझ लो उसकी तकदीर। खैर ये तो तुम समझते हो ना, हम भी देखते हैं तुम कितने मन। सरकार जीत गए तो अपन लोग का क्या होगा? भगवान नाम है, कभी तो अच्छी बात बोला कर बोला कर बोला कर। सरकार आज तक जीते हैं के जीत जाएंगे जीत जाएंगे जीत जाएंगे, कहां से जीत जाएंगे? मैं साफ देख रहा हूं की बह रहे अब बादशाह। मैं देख रहा हूं के रेस कोर्स से निकले सरकार हार के हार। हार के क्या फक रहे हो? हाँ हाँ, हार के हार के हार के। गाड़ी के पास आए, दरवाजा खोला, बैठे भी पर गाड़ी नहीं हुई स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। अरे भाई रुक क्यों गए? पांव भारी हो गए, आंख धुंधली हो गई, पसीना छूट गया, सर पकड़ के सरकार बैठ गए बैठ गए बैठ गए। ओए फिर क्यों खलो गए? सामने देखी एक दुकान दुकान दुकान, दुकान में था सोडा, दुकान में था कोका कोला, कोला पीऊं के सोडा पीऊं, कोला पीऊं के सोडा पीऊं, कोला पीऊं के सोडा, ऐसा खुखल नहीं कि सोडा पीऊं, पीऊं मैं कोका कोला। पहला कोला गट गट पिया, दूसरा कोला खट खट पिया, तीसरा चौथा झटपट पिया और कलेजा ठंडा हुआ। फिर क्या हुआ? जेब में डाला हाथ, पैसा नहीं पैसा नहीं, ठन ठन गोपाल खूर रहा था दुकानदार, कमीज दे दी उसे उतार उतार उतार। इधर देखा उधर देखा, फिर चल पड़े मेरे सरकार सरकार सरकार। चलते रहे 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 चलते रहे। फिर क्यों? बदन नंगा इज्जत का सवाल, कोई देख न ले हाल बेहाल, मुंह को छुपाया स्पीड पकड़ी, चल रहे 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 चल रहे। गोवर्धन, अरे ओ गोवर्धन आया। सरकार सरकार आप यहां तक कैसे पहुंचे? चलते चलते चलते। और अपनी गाड़ी? फुस। और अब्बा पैदल? चलते चलते का मतलब पैदल ही होता है उल्लू के पट्टे। अरे हाँ सुनो, आज सुबह जाते वक्त वो जो लौंडा मिला था ना, मैं उसे पकड़ कर ले आओ हमारे सामने। लेके आए, देखो देखो। अरे बहुत, अरे
मर गए। मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे ऐसे पकड़ कर लाए हैं। तुम हमारे सामने आ गए थे इसलिए। मैं सामने आया? आप मेरे सामने से गए थे। ठीक है, हम सामने आ गए थे, लेकिन तुम्हें इतनी भी तो अकल होनी चाहिए कि जब बड़े लोग काम के लिए घर से बाहर निकले हैं तो छोटों को सामने नहीं आना चाहिए। अकल तो आपको होनी चाहिए, मैंने तो पहले ही कहा था मत जाइए, मैं मनहूस हूँ। और जाते वक्त हमने भी कुछ कहा था, क्या कहा था मुनीम जी? काम बन जाए तो इनाम है 10,000, 10,000, 10,000, और ना बने तो आम तमाम। काम तमाम 10,000, ये लो सरकार। अरे कमबख्तो, इसने तो मुझे जीतवा दिया था। अरे बरखुरदार, आज तुमने अपना यह मनहूस चेहरा दिखाकर हमें 30 लाख का जैकपॉट जीतवा दिया। पिछली 3 पीढ़ियों से हमारे खानदान में सब हारते चले आ रहे थे, आज पहली बार जीत हुई है। तुम अपने इस चेहरे को मनहूस कहते? अरे बरखुरदार, ये तो फ्रेम करके टांगने लायक है। ऐसा मेरे चेहरे का बस चलता आप जरूर हार जाते हैं। आप इत्तेफाक से जीते हैं क्योंकि आपकी तकदीर अच्छी है। मेरा चेहरा इतना मनहूस है, जिसने भी देखा वही तबाह हो गया। मेरे जैसा मनहूस आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। कौन कहता है, हम गोली मार देंगे उसे। इतने साल से हम हार रहे थे, तब कहां गई थी तकदीर? हैं? आज इत्तेफाक से हम जीत गए तो हमारी तकदीर अच्छी हो गई। हमारी अच्छी तकदीर का नाम इत्तेफाक नहीं, राजू। लेकिन साहब, मैं ये रुपए नहीं ले सकता। नहीं लोगे तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। आप भले ही गोली मार दीजिए, लेकिन ये रुपए नहीं ले सकता। ओफो, फिर तुम चाहते क्या हो, बोलो। कोई काम दे दीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें काम मिल गया। आज से, अभी से और इसी हवेली। इसी हवेली? हाँ, इसी हवेली में। लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप सब यहीं रहेंगे, क्योंकि आप सब मेरी बदनसीबी है। थैंक यू। नहीं नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आप लोग सब यहाँ रहेंगे तो हम अपनी खुशनसीबी की कदर कर सकेंगे। सुनो, कल से तुम मुझे बेटी दिया करोगे। सुबह उठकर सबसे पहले हम तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं, बस यही तुम्हारा काम है। अब कौन? चाय रख दिया साहब। हाँ राजू, राजू आजा आजा, अंदर आजा, अंदर आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। आ गए? हाँ। मुंह मेरी तरफ किया हुआ है ना? आ देख लिया। अरे तुम उस तरफ मुंह करके क्यों खड़े हो? देखो राजू, अगर तुमने रोज सुबह मुझे अपनी सूरत नहीं दिखाई तो मैं जिंदगी भर आंखें बंद करके यहीं पड़ा रहूंगा। नहीं साहब, आपको जो कुछ मिला आपके नसीब से मिला है, मैं जहां हूं वहीं रहने दीजिए। कल अगर आपका कोई नुकसान हो गया फिर आप भी मुझे दुत्कार बाहर करेंगे। अरे पगले, इंसान को हमेशा दबे घुटे नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, ऊपर, बहुत ऊपर। बहुत ऊपर जाने पर इंसान बहुत नीचे भी तो गिर सकता है साहब। देखो राजू, अगर नींव मजबूत हो ना तो इमारत ऊंचे से ऊंचे उठ सकती है। जिंदगी आखिर ज्वार भाटा की तरह है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इनसे क्या घबराना। आज तक लोग तुम्हें धुतकारते रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें धुतकार सुनने की आदत पड़ गई। कभी प्यार का रस चख के भी तो देखो। सरकार, वकील साहब आए। वकील साहब, क्या कोई कुर्की आ गई है? कुर्की कैसी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला हमारे हक में कर दिया है। जब केस शुरू हुआ था तो जायदाद की कीमत 21,000 थी, आज तो वो 50 लाख की हो चुकी है। 50 लाख? साहब, अरे अरे सुना सुना तूने? अरे मनहूस, ये सब तेरे इस घर में आने से हुआ है। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी फिर क्यों चिल्ला रहे हो, अब क्या हुआ? अरे हम वो पुराना केस जीत गए। अच्छा वकील साहब, खर्चा वर्चा भी मिलेगा ना? जी हाँ। कुल मिला के कितने मिलेंगे? 65 लाख। 65 लाख? अरे सुना मनोज, इधर आ, इधर आ। अरे लक्ष्मी, अगर ये 25 साल पहले हमें मिल गया होता तो हम इन हालों से ना गुजरते। तो उस वक्त क्यों नहीं मिला? तब मैं पैदा ही नहीं हुआ था साहब। अरे राइट राइट करा। हाँ।
वकील साहब। जी सरकार। बेचारी लक्ष्मी ने बहुत पूजा पाठ किए, दिन रात एक कर दिए, लेकिन कोई संतान पैदा नहीं हुई। डॉक्टरों का कहना है कि हम दोनों में कोई गड़बड़ी नहीं, तो फिर क्या गड़बड़ी ऊपर वाले में? लेकिन मैं समझ गया हूँ, संतान हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती? उसने तो कुछ और ही सोच के रखा है, और ही प्लानिंग है उसकी। वकील साहब, मैं राजू का नाम बदलना चाहता हूँ। राजनाथ कानूनी पुत्र स्वर्गीय शंभुनाथ नहीं, राजनाथ कानूनी पुत्र जीवित कल्पनाथ राय। हाँ, मैंने राजू को गोद लेने का फैसला किया है। वकील साहब, आप जल्दी से कागजात तैयार कीजिए, बहुत दिन बे औलाद रह चुके हैं। क्या आप इस मनहूस को गोद लेंगे? हाँ, मैं इसे गोद लूंगा, अपना बेटा बनाऊंगा। हाँ? बेटा? देखिए सर, वैसे आप जाने और आपका नसीब। इसके आने के बाद वो केस में जीत गया और वो 50 लाख रुपए वापस मिल गए। 50 लाख? माँ, 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 क्या हुआ? नहीं छोड़िए, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। जिस मुंह को देखकर मैं जिंदगी में पहली बार जीता, मैं उस मुंह को भला अपने कब्जे से जाने दूंगा? नहीं, कभी नहीं। इसलिए मैं इसे अपना बेटा बनाऊंगा। मेरे बाद मेरा सारा बिजनेस और करोड़ों की जायदाद का ये मालिक। करोड़ों? मैं तो वैसे ही आया था आपसे पूछने के लिए, लेकिन आप तो इसे पहले ही सड़क पे फेंक चुके हैं। वैसे देखा जाए तो ये मुझे तो सड़क पे पड़ा हुआ मिला, फिर आप लोगों से पूछने की जरूरत ही नहीं है। आओ राजू, सुनिए। अरे बेटा राजू, राजू, राजू बेटे, ऐसी भी क्या बेमुरम्मती। माना कि यहाँ तुम पर सख्ती हुई, डांट फिटकार पड़ी, फिर भी हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। बेटा, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। सर, सर, देखा मेरी माँ इसे कितना चाहती है। कहाँ? लाठी मारने से पानी अलग थोड़े ही होता है। सर, देखिए ना, मेरी तो एक ही माँ है, अगर इसे कुछ हो गया तो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इन्हें। ठीक है, संभालिए अपने संजीवनी बूटी को, मैं जाता हूँ। अरे सुनिए, सुनिए, अरे इसका जब इसका खून ही सफेद हो गया है तो इसे रोकने से क्या फायदा। ले जाइए, हम तो गरीब लोग हैं, बचपन से पाला पोसा इसे। बचपन से? बिल्कुल बचपन से तो नहीं, फिर भी बचपन से पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, कामकाज सिखाया, और एक मिनट में हरिमोहन जमुना पार हो गए। पैसा चाहिए? पैसा? ये आपकी किस्मत का सितारा सही, लेकिन निकला तो हमारे घर में। हम इसे ना निकालते तो ये आपके सामने ना आता। हाँ। और ये आपके सामने ना आता तो आप 30 लाख, हाँ? मेरा मतलब कि 80 लाख। हाँ। ना जीतते। हाँ? हाँ? मैं ही बोले जा रही हूँ, तू भी तो कुछ बोल। अब माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। कितने रुपए चाहिए? 10,000? हाँ हाँ, 10,000। नहीं, मैंने 10,000 के लिए नहीं कहा। अब राजू जैसे हीरा आदमी के लिए तो 20,000 भी कम है। 30,000 तो कम नहीं। वैसे 30,000 कम नहीं है, लेकिन आप भी तो सोचिए, ये बच्चे मामा किसको कहेंगे, और ये भैया किसको कहेंगे, और सुरेश को जीजा जी कौन कहेगा? इस परिवार के लिए तो सन्नाटा छा जाएगा। 40,000? राउंड फिगर कर दीजिए, 50,000। 50,000? जी। थोड़ी देर पहले ये मनहूस था, हाथ पांव टूट गए थे, सर फूट गया था, साइकिल किलबिल हो गई थी, नौकरी चली गई थी, और अब इसी मनहूस को बेचकर आप अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं? मैं 10,000 से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। अगर आपको मंजूर ना हो तो रखे अपने राजू को। अरे सुनिए सुनिए, सिर्फ 10,000? थोड़ा सा बढ़ाइए ना। आपका ये आखिरी फैसला है? तो फिर दे दीजिए 10,000 और ले जाइए अपने ये मनहूस को। जाते जाते भी 40,000 का घाटा कर ही गया ना। ये लीजिए, मैं आपको 25,000 रुपये दे रहा हूँ। अरे आप तो भगवान जैसे हैं। लेकिन अगले जन्म में आप मुझे अपनी शक्ल में दिखा। ये ठहरिए, ये क्या अंधेरे? मेले में बिकने वाले जानवरों की तरह आज आप लोगों ने 25,000 में मेरे भाई को बेच दिया। कल तक ये मनहूस था, इसकी परछाई तक से इस घर के लोग कतराते थे, और आज इसी मनहूस को मोल तोल करके बेच रहे हैं। कल शायद अच्छा दाम लगे तो आप लोग मुझे और मेरे बच्चों को भी बेच डालेंगे।
25,000 में? लेकिन तुम्हें खरीदा किसने? एक भोला भाला इंसान। नहीं राजू, वो इंसान नहीं हो सकता, वो जरूर भगवान होगा। शंकर भगवान को भी तो भोलेनाथ ही कहते हैं ना? हाँ नैनी, लेकिन शंकर भगवान कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता, लेकिन ये भगवान तो आंखों के सामने मौजूद है। ए, पता है साड़ी में कैसी लग रही हो? मुझे क्या पता, तुम बताओ। मुझे तो ये रेशमी मुलायम साड़ी पहनकर कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं खुद अपने आप को कुछ और सी लग रही हूँ। अरे तुम क्या लगोगी कोई और तो मैं लग रहा हूँ। वो कैसे? वो वैसे ये रेशमी कुर्ता पजामा, ये देखो, ये देखो ना। देखो कैसे? हाथ से देखो ना, हाथ से। ये घड़ी है ना, कम से कम 30,000 की होगी, और ये अंगूठी, इसका हीरा 1,25,000 से कम नहीं होगा। हाँ? हाँ, मैं राजू नहीं हूँ, किसी पुराने राजा का खजाना लग रहा हूँ। मैं हजारों की चीज थोड़ा हूँ, लाखों की चीज हूँ, लाखों की। तुम लाखों की चीज नहीं हो, करोड़ों की चीज हो, करोड़ों की। तुम किसी हरे गहरे के बेटे थोड़ी हो, सेठ कल्पनाथ राय की औलाद हो, और वारिस भी। भगवान की दया से अब तुम्हारे पास इतनी दौलत है बेटे कि तुम गिनते गिनते बूढ़े हो जाओगे। ऐसी दौलत तो औरों के पास भी होगी बाबूजी, इसकी सबसे बड़ी दौलत तो आप हैं। तभी तो आपने कीचड़ में पड़े हुए राजू को देखा और उठाकर अपने सीने से लगा लिया। राजू, तुम सचमुच बड़े भाग्यवान हो। अच्छा मैं चलती हूँ। कहाँ? अपने घर। है? फिर ये घर किसका है? आपका और राजू का। गलत 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 गलत। देखो, आज जब राजू मेरा हुआ तो इसका दिल भी मेरा हुआ, और चूंकि तुम इसके दिल में रहती हो इसलिए तुम भी मेरी हो, और हम अपनी हर चीज अपने पास ही रखते हैं। क्यों बेटे? रखते हैं ना? हाँ रखते हैं। हाँ, इसलिए नैना बेटी, आज से तुम भी राजू के साथ साथ मेरे घर और मेरे दिल में रहो। दावगी ना? बालों का जो रंग बताया था देखो, मेरे बाल बिल्कुल उसी रंग के हैं। खड़े क्यों हो? बैठो बैठो ना। वो मतलब वो क्या बोलो? ये घर कैसा लगा? जिस घर में देवता वास करते हो वो घर कैसा लगेगा? नहीं, मैं अच्छा तुम, मैं फिर नहीं, तुम नहीं, मैं अच्छा अच्छा तुम। तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं है ना? तुम्हारे होते हुए मुझे तकलीफ कैसे हो सकती है? हाँ नहीं,
तुम्हें कुछ और चाहिए? जो तुम दो, जो तुम चाहो। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम्हें। ये कमरा कैसा लगा? ये कहना चाहते थे? नहीं। अच्छा नैनी, मैं बाद में बताऊंगा। राजू कहो ना, फिर बताऊंगा। फिर है? सा,
डॉक्टर साहब जल्दी आइए। हुजूर यही मौका है, फूक मार दीजिए सरकार के कान में, कहिए कि सुबह सुबह राजू का मुंह देखकर मालकिन गिर पड़ी। क्या बात है, आप सब यहाँ क्यों खड़े हैं? जीजा जी, राजू की नहुसत शुरू हो गई, दीदी ने सुबह सुबह उसका चेहरा देखा और गिर पड़ी। गिर पड़ी? हाँ। अरे राजू, नहीं नहीं। डॉक्टर, लक्ष्मी कैसी है, क्या हुआ? मुबारक हो राय साहब, रानी जी माँ बनने वाली है। माँ? हाँ। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी साहब, क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारा छोटा भाई आने वाला है। भाई? हाँ, आप मामा बनने वाले हैं, मिठाई खिलाइए सबको, चलो आइए। देखा लक्ष्मी, दिन बदले तो धन भी आया और संतान भी। तुम ही मेरी पूजा पर टोका करते थे, देखा भगवान ने दे दिया ना। मेरे ख्याल से इस मामले में भगवान के अलावा थोड़ा बहुत मेरी मेहनत का भी हाथ है। इड़ी पीजे। आग और पानी साथ साथ, क्या बात है गोवर्धन दास जी? आपके वास्ते भाई चतुर सिंह जी से पुरानी दुश्मनी भुला के संयुक्त मोर्चा बनाना पड़ा। अगर अपोजिशन एक नहीं होगा तो कैसे चलेगा काम? चतुर सिंह जी, अब हमारी भी सुलगा दो। सुलगा दो। हुजूर, मुझे तो आपकी चिंता खाए जा रही है। पहले तो सिर्फ एक आजू था, उसके कांटे का मंत्र तो हम निकाल लेते, लेकिन अभी जो ये बबुआ आ गए हैं ना, इन्होंने तो आपका पत्ता ही काट दिया। इस वास्ते सौतेले और कानूनी भांजों से सावधान रहने की जरूरत है। इल्कुल इल्कुल इल्कुल। इस कानूनी भांजे साले की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। नहीं नहीं बेटी, लगता है कोई अच्छा सा सपना देख रही जी। मैं भी आजकल एक सपना देख रहा हूँ, बड़ा मजेदार सपना। क्या है डैडी? पहले तुम अपने सपने के बारे में बताओ। मैं देख रही थी एक बहुत बड़ा और शानदार पंडाल लगा हुआ है, रंग बिरंगे बल्बों की रोशनी का जंगल सा है, शहनाई बज रही है, लगन मंडप सजा हुआ है। फिर क्या देखती हूँ, सामने से एक बारात आ रही है, आगे आगे आतिशबाजियों के फूल, उसके पीछे बैंड, और उसके पीछे ऊंचे घोड़े पर दूल्हा। फिर क्या, फिर आपने जगा दिया। तो फिर आगे का हाल मुझसे सुनो। आपसे? इत्तेफाक से मैं भी यही सपना देख रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे किसी ने जगाया नहीं, मैंने पूरा देख लिया। हाँ, तो जब दुल्हा पास आया तो मैंने देखा, अरे ये तो अपना राजू है। अच्छा? हाँ, लेकिन मजे की बात तो अब आ रही है। इधर राजू मंडप की तरफ बढ़ रहा था और मैं देख रहा हूँ उधर से दुल्हन बनी हुई नैनी को लेकर मैं मंडप की तरफ बढ़ रहा हूँ। और फिर पंडित जी ने तुम दोनों की चादरों में गांठ बांधी और फिर पवित्र मंत्रों की छाओं में तुम दोनों फेरे लेने लगे। क्यों, कैसा लगा सपना? अरे हाँ, आगे भी मैंने देखा कुछ ही महीनों के बाद एक ओ डैडी। राजू, लोग कहते थे मैं रेस कभी नहीं जीतूंगा, जीत गया। केस कभी नहीं जीतूंगा, वो भी जीत गया। बाप कभी नहीं बनूंगा, वो भी बन गया। अब सोच रहा हूँ मैं दादा कब बनूंगा। वो भी बन जाएगा। कब? जब मुन्ना बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, फिर बच्चा होगा, फिर आप दादा बन जाएंगे। नहीं नहीं, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। फिर? अच्छा एक बात बताओ राजू,
अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं दादा बन सकता हूँ ना, हा? और अगर नैनी की शादी हो जाए तो भी मैं दादा बन सकता हूँ, और अगर तुम्हारी नैनी के साथ शादी हो जाए तो भी दादा बन सकता हूँ मैं, हा? क्या क्या आप घुमा के नाक क्यों पकड़ रहे हैं? तुझे पता था? मैं पहले ही समझ गया था। तो पहले ही बता देता, इतनी बकवास करता रहा मैं। मैं घुमा रहा था। क्या बात है, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे खून की उल्टी हुई है और तुम कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं, पहले भी दो तीन बार हो चुका है ऐसा। क्या पहले भी दो तीन बार हो चुका है? कुछ नहीं। आओ आओ मेरे साथ। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। तुम बैठो। राजू को क्या हुआ है डॉक्टर? समझ में नहीं आता है, कैसे कहूं। लेकिन कुछ तो बताइए, क्या हुआ है उसे? कैंसर। कैंसर? जी हाँ, वो भी बहुत एडवांस स्टेज पर। ये देखिए, ये सारा पोर्शन। इतना फैल जाने के बाद इसका कोई इलाज नहीं। अरे भाई सुनो, ये अंदर तक जल गया है, कोई बुझाओ। अरे डॉक्टर, राजू को किसी भी तरह बचा लो। तुम उसे जहां ले जाने को कहोगे ले जाऊंगा, जितना पैसा खर्च होगा करूंगा। राजू मेरी जिंदगी है डॉक्टर, मैं उसकी जिंदगी के बदले अपनी जिंदगी दे सकता हूं, लेकिन मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता डॉक्टर। मेरा सब कुछ ले लो, उसे बचा लो प्लीज। ये सोफा उठाकर बाहर फेंक दो। जी साहब। बाहर फेंक दो? मगर क्यों? ये खराब हो गया ना, नया आएगा। डॉक्टर मेरा इतना सा तो काम कर दो, राजू को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। हा? आपके अस्पताल में जो चीज खराब हो जाती है उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं? जी हाँ। राय साहब, मुझे 3-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं पूरी रिपोर्ट स्पेशलिस्ट को भेज देता हूं। तब तक के लिए आप हौसला रखिए। ओके। ये अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है? हा? वो सोफा जल गया, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। अच्छा डॉक्टर, मैं ठीक हूं ना? हा? हाँ, एकदम। हाँ, डैडी खामखा डर गए। जरा से खून की उल्टी से आदमी मर थोड़ा ही जाता है। राजू, बाप का दिल तो आखिर बाप का दिल होता है ना, डर जाता है। हाँ, और बेटे का दिल आखिर बेटे का दिल होता है, डरता नहीं। क्यों डैडी? हंसेंगे नहीं? अच्छा डॉक्टर। ओके ओके राजू, टेक केयर। अच्छा राय साहब, Thank you.
टेडी टेडी, आज मैंने फिर से वही सपना देखा। सामने से एक बारात आ रही है, आगे आगे आतिशबाजियों के फूल, उसके पीछे बैंड, उसके पीछे ऊंचे घोड़े पर दूल्हा। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। टेडी, बाकी का सपना आप पूरा कीजिए ना। नहीं बेटी, तुम्हारा ये सपना मुझसे पूरा नहीं होगा। क्यों डैडी? क्योंकि आंख लगी ही नहीं। और फिर बेटी, सपनों पे इतना खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि साकार तो कोई कोई सपना ही होता है। मेरा सपना साकार होगा ना डैडी? राजू ने कुछ कहा तुमसे? काहे के बारे में? अपने बारे में, तुम्हारे बारे में? आपसे कुछ नहीं कहा? कहा भी और नहीं भी। मैंने जब खुद शादी की बात निकाली तो मुझे ऐसा लगा बात टाल रहा है वो, जैसे उसका दिल शादी में ना हो। डैडी? नहीं, वैसे वो तुम्हें चाहता है, लेकिन हो सकता है उसने तुम्हें होने वाले पति की निगाह से ना देखा हो। वैसे बेटी, तुम्हारा सपना साकार जरूर होगा। मैं खुद तुम्हारी शादी करूंगा, अपनी बेटी की तरह, बड़ी धूमधाम से। बहुत बड़ा पंडाल होगा, रंग बिरंगी बत्तियां होंगी, शहनाइयां बजेंगी, हजारों लोग होंगे, सारे शहर को मैं बुलाऊंगा। तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं जो हूं। अब बहुत रात हो गई, तुम जाके सो जाओ। हेलो राय साहब, मैं डॉक्टर भटनागर बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर भटनागर। हाँ राय साहब, राजू के केस के बाद। एक मिनट डॉक्टर, मैं इस वक्त हॉल में हूँ, आप फोन रख दीजिए, मैं अपने कमरे में जाकर आपको फोन करता हूँ। जी, अमेरिका के एक्सपर्ट्स ने भी कंफर्म कर दिया है कि टाटा मेमोरियल की डायग्नोसिस ठीक है, राजू को लंग कैंसर है। राय साहब, अब तो सिर्फ 4-6 महीने की बात है। राजू? हाँ नानी, आओ आओ। बैठो। राजू, मैं तुमसे एक बात पूछने आई हूँ। पूछो। सीधा और सच्चा जवाब चाहती हूँ। हम कभी झूठ बोले हैं एक दूसरे से? फिर डैडी ने तुमसे कुछ बात की है? किस बारे में? हमारे ब्याह के बारे में। हमारे ब्याह के बारे में? हाँ। तो क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? प्यार तो है। तो फिर
डैडी को यह क्यों लगा कि तुम मुझसे ब्याह नहीं करना चाहते? बोलो, बोलते क्यों नहीं? तुमने सच बोलने को कहा ना? हाँ। सच बोलो? हाँ। प्यार का मतलब सिर्फ शादी ब्याह ही नहीं, प्यार के कई रंग हैं, कई रूप हैं। मैं गरीब था, तुम गरीब थी। मैं बेसहारा था, तुम बेसहारा थी। तुम अंधी थी, मैं तकदीर का मारा था। किस्मत ने हम दोनों को एक दूसरे का हमदर्द और दोस्त बना दिया। हम दोनों एक दूसरे के करीब आते रहे, लेकिन मैंने कभी सपने में भी अपनी और तुम्हारी शादी के बारे में सोचा नहीं। सोचा तो सिर्फ तुम्हारे बारे में, मतलब तुम्हारी शादी के बारे में, कि किसी बहुत अच्छे, बहुत शरीफ लड़के के साथ तुम्हारी शादी कर दूं, क्योंकि नैनी तुम मेरी जिम्मेदारी थी और जिम्मेदारी हो। माफ कर दो राजू, मैं कितनी गिरी हुई हूँ कि प्यार की पवित्रता को नहीं समझ सकी, प्यार की महत्ता को नहीं समझ सकी। राजू मुझे माफ कर दो। नैनी, रोमत नैनी, मैंने आंखें तुम्हें रोने के लिए नहीं दिलवाई थी, जीवन का रंग देखने, चखने और हंसने के लिए दिलवाई है। और नैनी, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो जगह है ना, वो हमेशा रहेगी। देखो, मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढूंगा और धूमधाम से शादी करूंगा। और ये शादी मामूली शादी नहीं होगी। मैं मामूली आदमी थोड़ा ही हूं, राय बहादुर कल्पनाथ राय का बेटा हूं और तुम उनकी बेटी हो। और उनकी बेटी की शादी कैसे होगी ये जमाना देखेगा। आओ आओ राजू, बैठो। कहो, कैसे आना हुआ? आपसे दो एक बातें करनी थी। कहो। आप परमात्मा में विश्वास करते हैं? मैं अपनी आत्मा में विश्वास करता हूं। आत्मा की इज्जत भी करते होंगे? इज्जत मैं अपने पेशे की करता हूं। गुड। क्या आप अपने पेशे के कसम खाकर मेरे सवालों का सही जवाब दे सकते हैं? राजू, हमारे पेशे में हमेशा हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर, मेरे सवालों से आपके पेशे पर कोई आंच नहीं आएगी। जो बात आप जानते हैं वो तो बता सकते हैं ना? हाँ हाँ, पूछूं? पूछो। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ? शादी? क्योंकि मैंने अपनी शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर आपका कोई दोस्त आपकी पसंद की लड़की ढूंढ ले तो आप उससे शादी करेंगे? मेरा कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए? बैठो भाई, बैठ जाओ। मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। हाँ हो तो फिर बताइए, आप उस लड़के से शादी करेंगे? लेकिन अचानक तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो गई भाई? क्योंकि मैं जल्दी में हूं। जल्दी? हाँ डॉक्टर, मैंने अब तक नानी को संभाला, लेकिन अब
ज्यादा दिन नहीं संभाल सकूंगा। मतलब आपको भी मालूम है, मुझे भी। मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी में उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ हो जाए जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन राजू, तुम्हारी जिंदगी को हुआ क्या है? हुआ डॉक्टर, मुझे हंसाइए मत। हंसने में भी तकलीफ होती है। डैडी के सामने मैं मजबूरन हंसता हूं। राजू, मेरा तो ख्याल था तुम नैनी से प्रेम करते हो। हाँ, करता तो हूं। तो फिर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? डॉक्टर, प्रेम तो डैडी से भी करता हूं, तो क्या जिससे प्यार किया जाए उसे शादी भी की जाए? राजू, मैं समझा नहीं। डॉक्टर, 4-6 महीने की बात रह गई है ना, इसलिए मैं जल्दी में हूं। नैनी एक मासूम लड़की है, मेरे जीते जी आप जैसा दोस्त उसका हाथ थाम ले तो मैं शांति से मर सकूंगा। आप वादा कीजिए आप उससे शादी करेंगे ना? आपको मेरी दोस्ती की कसम, आप करेंगे ना मेरी आखिरी ख्वाहिश? राजू, जरूर करूंगा। राजू, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं नैनी से शादी जरूर करूंगा। थैंक यू। लेकिन राजू, तुम्हें यह पता कैसे चला? सस्पेंस। डैडी, ढूंढ लिया मैंने। नैनी के लिए वर ढूंढ लिया और बात भी पक्की कर ली। मालूम है। ओ, डॉक्टर भटनागर ने फोन घुमा दिया क्या? हाँ। तो फिर पंडित को बुलवा लूं? किस लिए? मुहूर्त निकलवाने के लिए। एक बरस तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं। है कैसे नहीं, आते वक्त पंडित से मिलकर आया हूं। 4th महीने की 3 तारीख बहुत शुभ है। राजू, एक बात पूछो, सच बता। सच? बचपन से बस एक सच बोलना ही नहीं आता मुझे, चाहे तो आप मेरे गांव में जाके पूछ लीजिए। एक बार अपने डैडी की खातिर तो सच कह दे। तुम खुद नैनी के साथ शादी क्यों नहीं कर रहे? बोलो। आपको नहीं मालूम, आग को कितना भी दबाइए धुआं तो निकलेगा ही। भगवान के सिवा कोई इंसान ये नहीं जानता कि वो कब इस दुनिया से जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं कब जाऊंगा। इसलिए जीते जी इंसान से भगवान बन गया ना राजू। मैंने से इसलिए शादी नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप उससे दीर्घ सुमंगली होने का आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। मैं नैनी को 6 महीने के सुहाग के साथ जिंदगी भर का रंडापन नहीं दे सकता। डैडी, डैडी ये क्या? आप रोने लगे? नहीं डैडी, नहीं। आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें अच्छी लगती है। जब तक मैं हूं आप मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपको अपने बेटे की कसम। अच्छा ये देखिए, आप ये कर सकते हैं, ये ये ये। अरे कोशिश तो कीजिए ना। ये 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 ये। ओम शांति 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 ओम। अब मामा भांजे को खीर चटाए। मामा नहीं, भाई खीर चटाएगा। सरकार मेरे ख्याल में तो। आप अपना ख्याल अपने पास रखिए। लो। नहीं डैडी, बलवंत को खीर चटाने दीजिए, यही तरीका है। अगर तरीका यही है तो आज हम तरीका बदल रहे हैं। हमारे छोटे बेटे को
हमारा बड़ा बेटा खीर चटाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि माँ के दूध के बाद सबसे पहले वो तुम्हारे हाथ का मजा चखे। लो आओ। मेरे मुन्ने भैया, भगवान तुझे डैडी जैसी लंबी उम्र दे, मम्मी जैसी लंबी उम्र दे, तुम्हारी जितनी उम्र दे। हाँ। इतनी उम्र लेकर क्या करेगा माँ, ये छोटे छोटे हाथ बड़े होंगे, इस घराने की इज्जत संभालेंगे, मम्मी और डैडी की सेवा करेंगे, करेंगे ना? तेरा हर गम तेरी बनाए, अपने से लेता हूं, मेरी किस्मत में जो खुशियां सब तुझको देता हूं। दुआ 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 ये मेरे दिल की दुआ, दुआ दुआ में जितने तारे उतनी उमरिया पाए, फूलों के जैसा मुस्कुराए, यूं ही खुशियों से खेले, मेरा भी जीवन ले ले, जीता रहे तू सदा, ये मेरे दिल की दुआ, दुआ 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 ये मेरे दिल की दुआ। का दीपक कभी ना बहके ना, बन के तू सूरज जहां में चमके ना, मधुबन के जैसा तू दिल में महके ना, तू कुल का दीपक कभी ना बहके ना, बन के तू सूरज जहां में चमके ना, मधुबन के जैसा तू दिल में महके ना, पूछा हो नाम तेरा, ये मेरे दिल की दुआ, दुआ 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 ये मेरे दिल की दुआ। खुशियां अधूरी उनकी कमी मैंने तब की थी पूरी, मेरी कमी तू भी कर देना पूरी, तेरे बिना थी जो खुशियां अधूरी उनकी कमी मैंने तब की थी पूरी, मेरी कमी तू भी कर देना पूरी, नेकी हो काम तेरा
दुआ ये मेरे दिल की दुआ। अंबर में जितने तारे उतनी उमरिया पाए, फूलों के जैसा मुस्कुराए। यूं ही खुशियों से खेले मेरा भी जीवन ले ले, जीता रहे तू सदा ये मेरे दिल की दुआ, ये मेरे दिल की दुआ, ये मेरे दिल की दुआ। क्या खबर है? डॉक्टर भटनागर का कंपाउंडर मेरी घरवाली का रिश्तेदार है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार है। उसने बताया कि राजू को कैंसर है, कैंसर है, कैंसर, और राजू 4-6 महीनों का मेहमान है, मेहमान है, मेहमान है। अबे सच? बिल्कुल सच, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। हुजूर, तब तो आप अकेले पूरी हवेली के मालिक बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? बच्चा जो है, बच्चा जो है, बच्चा जो है। हाँ, बच्चा तो है, उसका भी इंतजाम कर दिया जाएगा। पीले मुन्ने पीले पीले बबुआ, पीले 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 मुन्ना। ओ मुन्ना, क्यों रो रहा है? दीदी से बहल नहीं रहा था? मैं ले आया, मुझसे भी नहीं संभलना। तुम्हारा भाई है, तुम्हीं से संभलेगा। इसे दूध पिला। हाँ। हाँ। लो। राजू, राजू। क्या हुआ दीदी? अरे देखो, बबुआ तो उल्टी पे उल्टी कर रहा है। माँ, क्या हुआ? राजू, तेरे भैया को क्या हो गया? उल्टी करके निजार हो गया है। पर उल्टी हुई क्यों? तुम्हें पता होगा, तुम ही तो बबुआ को जल्दी जल्दी दूध पिला रहे थे। क्या? हाँ दीदी, जब से बबुआ आए हैं इसे अपनी गद्दी का खतरा हो गया है। बको मत। माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं मालकिन, हम इस घर के पुराने नौकर हैं, नौकर हैं, नौकर हैं। बबुआ को दूध पिलाते वक्त उन्होंने जेब में हाथ डाला था, डाला था, डाला था। हाँ मालकिन, जब से बबुआ पैदा हुए हैं तब से कुंवर साहब बहुत बदले हुए हैं। दीदी, आज तक मैं इसलिए खामोश था कि कोई ये ना समझे कि मैं राजू से चलता हूँ। दीदी, मैं लाख बुरा सही, लेकिन अपने भांजे का दुश्मन तो नहीं हो सकता। तुमने अपने भाई को छोड़कर उस घर पर भरोसा किया है। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे भाई का खून इतना सफेद हो गया है? बलवंत, तू ये क्या कह रहा है? हाँ दीदी, बबुआ के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। मालकिन, डॉक्टर की दवा से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी झाड़ फूंक वाले को बुलाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। वही रुक जाओ, ये कौन है? नहीं, भटनागर साहब कहीं बाहर गए हैं, इसलिए मैं इन डॉक्टर साहब को ले आया। तुमसे किसने कहा था डॉक्टर को लाने के लिए? डॉक्टर, आप चाहिए? ये क्या कह रहे हो माँ? आइए डॉक्टर साहब, आप ठहरो। कोई डॉक्टर मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाएगा। पहले उसे कुछ पिला दिया, अब डॉक्टर को बुला लाए? बहरूपिया, नमक हराम। अरे मैंने या मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरे साथ हमने क्या नहीं किया? देवताओं का सम्मान दिया, बेटे का प्यार दिया, और तूने उसका बदला ये दिया? मेरे बच्चे की जान ले लेना चाहता है तू? तो है तुझ पर। निकल जा यहाँ से, निकल जाओ। अच्छा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ता हूँ, डॉक्टर को एक बार देख लेने दीजिए। नहीं, ये डॉक्टर भी तेरा आदमी होगा, मेरे बच्चे की जान ले लेगा, तभी मेरे बच्चे की जान ले लेगा, जान ले लेगा।
जिस घर के उजाले में मैंने जिंदगी के दर्शन किए, उसी घर के चिराग को मैं क्यों बुझाना चाहूंगा? मैं बताता हूं कि तू इस घर के चिराग को क्यों बुझाना चाहता है। तेरे सिवा इसे और कौन मारना चाहेगा? क्या इसके पिता ने तेरे सिवा किसी और को गोद लिया है? क्या बबुआ के जिंदा रहने से इस जायदाद का आधा मालिक मैं बन जाऊंगा? तू तो राय साहब बनने के ख्वाब देख रहा है नमकराम। निकल जा यहां से, निकल जा वरना मैं तेरी बोटी बंद कर दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? राजू, राजू मां, निकल, रुक जाओ। क्या कर रहे हो? चुप मां, मुन्ना, राजू निकल जा यहां से। डॉक्टर साहब, मैं मुन्ने को ले आया है, किसी तरह से बचा लीजिए। बलवंत, गोवर्धन, बलवंत। क्या हुआ दीदी? मुन्ना कमरे से गायब है, कौन ले गया उसे? सरकार, सरकार, राजू मुन्ने को ले भागा जा रहा है। राजू, 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 क्या हुआ राजू? राजू, क्या हुआ? बच्चा गायब हुए कितनी देर हुई? मेरी जरा आंख लग गई थी, जब खुली तो देखा बच्चा गायब था, पता नहीं कौन ले गया। तो इसीलिए तुमने मेरा दिल तोड़ा, इसीलिए तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें मुझसे प्यार था ही नहीं, यही है तुम्हारी हमदर्दी? ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी पत्नी और फिर तुम्हारी विधवा बनकर जीने का अधिकार नहीं मिलता तो मैं किसी की पत्नी बनकर नहीं जीऊंगी। नहीं नहीं नहीं, 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 मैंने चाहा वो मुझे नहीं मिला, अब जो मुझे चाहते हैं उन्हें मैं नहीं मिल रहा, यही मेरी तकदीर है। नैनी, मरने से पहले एक खुशी तो देख लो, मेरी मौत को आसान बनाने के लिए तुम डॉक्टर भटनागर से शादी कर लो। नहीं, नहीं राजू, नहीं, नहीं, प्लीज नैनी, प्लीज। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतने दिन राजू के साथ रहने के बाद तुमने उसके बारे में यही जाना कि वो हमारा बच्चा चुरा कर ले जाएगा, अपने छोटे भाई को जहर खिलाएगा, वो मेरी उस दौलत के लिए जो उसी के पांव छूकर इस घर में आई है अपने छोटे भाई की जान ले लेगा। अरे जिस लड़के को जीना ही नहीं है वो क्या मेरी दौलत को अपने सीने पे बांध के ले जाएगा? क्या लक्ष्मी, अब उसके पास किनी चुनी सांसें रह गई हैं, और ये उसे मालूम है लक्ष्मी, ये उसे मालूम है। आप क्या कह रहे हैं बताइए ना, राजू को क्या हुआ? राजू को क्या हुआ बताइए ना, डॉक्टर साहब आप ही बताइए, राजू को क्या हुआ? राजू को क्या हुआ? कैंसर है। हमारे बच्चे की जान का दुश्मन कौन है मैं जानता हूं लक्ष्मी। इंस्पेक्टर, मैं अभी गुनहगार को आपके हवाले करता हूं। गोवर्धन, इस तरफ आओ। चिट्टा सिंह, छोटेलाल,
अस्पताल। मोशो भगवान, मुन्ने के लिए दूध किसने बनाया था? मुझे नहीं मालूम। दूध में जहर किसने मिलाया था? मुझे नहीं मालूम। मुन्ने को गायब किसने किया? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम। तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम। जी, कुछ नहीं मालूम। राजू कुछ ही दिनों का मेहमान है और राजू के बाद मेरी जायदाद का वारिस मुन्ना होगा, और अगर मुन्ने को रास्ते से हटा दिया गया तो मेरी जायदाद का इकलौता वारिस कौन होगा ये भी शायद आप लोगों को नहीं मालूम। लेकिन मेरे सिवा ये सारी बातें एक आदमी जानता है, और वो आदमी कौन है ये तो आप जानते होंगे। नहीं, मैं जानता हूं। वो आदमी कुत्ते, मैं तेरी दीदी नहीं हूं। सामने सामने से निकल जा। ले जाओ इसे। माँ, डैडी, राजू, 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 राजू बेटे, माँ, राजू बेटे, मुन्ने को संभाल, राजू, और हाँ, डॉक्टर ने कहा, मुन्ने की जान को कोई खतरा नहीं है, राजू बेटे, मुझे क्षमा कर दे बेटे, मुझे क्षमा कर दे, नहीं अपने से छोटों से माफी नहीं मांगा करते, और ये हाथ आशीर्वाद देने के लिए बने हैं। माफी मांगने से छोटों की जिंदगी कम हो जाती है, राजू, और फिर मेरे पास इतनी सी जिंदगी बाकी है, राजू, उसे भी कम करना चाहती हूँ मां। राजू, 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 डैडी, मेरा गला सूख रहा है, अपने हाथों से दो बूंद पानी टपका दीजिए। हाँ बेटे, नैनी, लो बेटे, बात करोगे तो गोली मार दूंगा। आप मुझे गोली नहीं मार सकते डैडी, गोली नहीं मार सकते। राजू, आप रोइए मत डैडी, आप रोइए मत। मेरा सफर बहुत लंबा है, आंसुओं से
मेरा रास्ता बिगड़ है मत मुस्कुराइए डैडी आप रोएंगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा और मैं रोते रोते नहीं मरना चाहता सही डैडी हमेशा आपको हंसते हुए देखा है हंसिए डैडी हंसिए हंसिए डैडी हंसिए मेरे कानों में आखिरी आवाज आपकी हंसी की पड़ती रहे वही मेरे लिए गंगा जल है हंसिए डैडी राजू 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 आते हैं चले जाते जाने वाले कभी कभी यहाँ अपने प्यार से लोगों के दिलों में यादगार बन जाते हैं